हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मार्केट का मोमेंटम दे सकता है और हम किस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे पास रहने वाले 5 इंट्राडे स्टॉक्स कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से साथ में। तो निफ्टी को अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने आप लोग प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि अपने डबल बॉटम में सपोर्ट के पास में आकर ये कंसोलिडेशन दे रहा है काफ़ी अच्छा, और ये अपना बेस फॉर्मेशन बनाने की फुल कोशिश कर रहा है। तो अब हम लोग इसको अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसका हमें बेस फॉर्मेशन की पैटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप लोग देखें, यहाँ पे सपोर्ट के पास में आने के बाद जिसने काफ़ी अच्छा अपना एक बेस बनाना शुरू करा, जिसे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा था और एक रेजिस्टेंस ही अपना अपसाइड से बना रहा था। तो जैसे ही अपसाइड इसको इस वाले एरिया का ब्रेकआउट देता है जोन का, और साथ ही साथ में इसमें ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग देखेंगे इसमें ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है, जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम हमें फेस करना था, सेकंड टाइम और दोनों टाइम इसे फेस करने के बाद काफ़ी अच्छा डाउनफॉल दिया था। तो तीसरी बार भी यहाँ पे आके रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो अगर ये इस वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे अपसाइड जोन के साथ में, तो हम लोग इसमें अपसाइड की पोजिशन बना सकते हैं। और इन केस यहाँ से ट्रेंड लाइन के पास जाने के बाद रिवर्सल पैटर्न आप लोगों को दिखा दे अच्छा सा, तो आप लोग इसमें सेल साइड के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। तो बैंक निफ्टी को भी अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसने भी अपनी ट्रेंड लाइन के पास में आकर एक काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन देना शुरू करा था। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप लोग देखेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसने भी काफ़ी अच्छा एक अपना बेस बना रहा था, एक रेजिस्टेंस के साथ में अपना एक बेस बनाता हुआ कंटिन्यूसली फॉलो करता जा रहा था, और इसमें भी सेम एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है निफ्टी की तरह, जिसमें इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे टेस्ट करा था, सेकंड टाइम यहाँ पे और थर्ड टाइम यहाँ पे, और फोर्थ टाइम इसको ब्रेक करने का ये अपसाइड यहाँ से निकल चुका है। तो अब ये अपने इस वाले रेजिस्टेंस के पास में आके रुका हुआ है जो लेवल है 35,700, काफ़ी अच्छा इसका रेजिस्टेंस ये लेवल है। तो जैसे ही हमें इस वाले लेवल का ब्रेकआउट अपसाइड मिलता है जो है 35,700, जैसे ही हमें इसका अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग इसमें अपनी अपसाइड की पोजिशन बना सकते हैं। और अगर आप लोग इसमें सेल पोजीशन भी बनाना चाहते हैं तो आप लोग इसमें हाफ क्वांटिटी भी बनाएगा, जब यहाँ से आप लोगों को काफ़ी अच्छा कोई रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल जाए तो आप लोग इसमें स्मॉल मूव के लिए सेल साइड के लिए भी प्रीफर कर सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने पहले इंट्राडे स्टॉक्स की। तो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक्स रहने वाला अल्ट्राटेक सीमेंट, इसमें काफ़ी फॉल के बाद में काफ़ी अच्छा एक बेस बन रहा है, जिसको साथ में इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन बनाना शुरू करी, जो आप लोग देख ही होंगे काफ़ी अच्छा पैटर्न इसने बनाया है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। तो जैसे ही इस वाले जोन का हमें अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग इसमें बहुत आसानी से इसमें अपसाइड की अपनी पोजीशन बना सकते हैं, जिसके बाद ही हम लोगों को अपसाइड का काफ़ी अच्छा मूव दे सकता है। तो हमारा सेकंड इंट्राडे स्टॉक रहने वाला है टाटा पावर, जिसमें एक ट्रेंड लाइन आ रही है अपसाइड से, जिसको इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे टेस्ट करा था, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम यहाँ पे और फिफ्थ टाइम यहीं पे आकर के इसने अपनी क्लोजिंग दी है। तो जैसे ही हमें इस वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है अपसाइड, और साथ ही साथ में जैसे ही हमें इस वाले जोन का भी ब्रेकआउट मिल जाता है ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का, तो हम लोग इसमें अपनी अपसाइड की पोजीशन बना सकते हैं। और इन केस अपने ये इस वाले एरिया का अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो हम लोग इसमें अपनी सेल पोजीशन भी बना सकते हैं, पर अगर आप लोग अवॉइड करना चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। रिस्की प्लेयर इसमें आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, तो आप लोगों को डाउनसाइड का भी अच्छा मूव दे सकता है। जब तक इस वाले एरिया का ब्रेकडाउन ना दे तो आप लोग इसमें अपनी सेल पोजीशन मत बनाएगा। तो जैसे ही इस वाले एरिया का ब्रेकडाउन देता है हमें, तो हम लोग इसमें अपनी सेल पोजीशन भी बना सकते हैं, सेफ प्लेयर इसे अवॉइड भी कर सकते हैं सेल साइड के लिए। तो हमारा थर्ड इंट्राडे स्टॉक रहने वाला आइशर मोटर, जिसमें काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जिसको कंटिन्यूसली फेस करता हुआ आ रहा है। अगर आप लोग देखेंगे काफ़ी अच्छी अपसाइड से विक बनाता है इस वाले रेजिस्टेंस के पास में आने के बाद, जिससे पता चल रहा है काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, जिसको इसने 5 टाइम टेस्ट कर लिया अपसाइड से। तो जैसे ही हमें इस वाले एरिया का अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है इस वाले जोन का, तो हम लोग इस पर अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, जिसके बाद हमें काफ़ी अच्छा मूव इंट्राडे में दे सकता है। हमारा फोर्थ इंट्राडे स्टॉक रहने वाला टीसी, जिसमें एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, जिसको इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, जिसको आप लोग देखेंगे ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छी थी, जिसको कंटिन्यूसली फेस करता हुआ आ रहा था अपसाइड से, 3 to 4 times उसने अपसाइड से इसको फेस करा था और अब फाइनली इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया। तो जैसे ही हमें इस वाले जोन का अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है तो इसका काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस का एरिया, जैसे हमें इसका ब्रेकआउट अपसाइड मिलता है तो हम लोग इसमें भी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और अगर आप लोग इसमें सेल साइड के लिए भी ट्रेड करना चाहें तो आप लोग इस वाली ट्रेंड लाइन के डाउन साइड के ब्रेकडाउन पे इसमें आप लोग सेल साइड के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, जिसके बाद ही आप लोगों को काफ़ी अच्छा इंट्राडे का मूव दे सकता है। तो हमारा फिफ्थ और लास्ट इंट्राडे स्टॉक रहने वाला है इंडसइंड बैंक, इसको अगर आप लोग देखेंगे काफ़ी बड़ा फॉल आया था कि कंटिन्यूसली डाउन साइड आने के बाद इसने अपना एक बेस फॉर्मेशन बनाना शुरू करा है, जिसको काफ़ी अच्छे से रेजिस्टेंस के सामने फेस कर रहा है। अगर आप लोग देखेंगे कंटिन्यूसली यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस के पास जाता है, फिर एक डाउनफॉल देता है और अब यहीं पर आकर इसने क्लोजिंग दी है। तो जैसे ही हमें इस वाले एरिया का अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग इसमें अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं अपसाइड के लिए। अगर मैं आप लोग चार्ट क्लियर करके दिखा दूँ, इस वाले जोन के ब्रेकआउट पर आप लोग इसमें अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और इन केस आप लोगों को यहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल जाता है इस वाले जोन से,
तो आप लोग इसमें सेल साइड के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, छोटे मूव के लिए आप लोग इसमें आसानी से ट्रेड कर सकते हैं सेल साइड के लिए भी, और अपसाइड के लिए तो आप लोग इसमें जरूर ट्रेड करेगा क्योंकि काफी अच्छा बेस बना है, तो इससे ब्रेकआउट पे काफी अच्छा मूव दे सकता है। तो ये थे हमारे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 5 इंट्राडे स्टॉक्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने प्रीवियस वीडियो में दिए हुए 4 इंट्राडे स्टॉक्स की। तो उसका हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक्स था डीमार्ट, जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था इस वाले जोन के ब्रेकडाउन पे आप लोग सेल पोजिशन बना सकते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे काफी अच्छा मूव इसने इस वाले जोन के ब्रेकडाउन के बाद दिया है, काफी बड़ा मूव आप लोगों का कैप्चर हुआ होगा, सडनली इसमें आसानी से आप लोगों का टारगेट भी अचीव हो गया होगा। तो हमारा सेकंड इंट्राडे स्टॉक था बजाज फाइनेंस, जिसमें मैंने इस वाली ट्रेंड लाइन के अपसाइड के ब्रेकआउट के लिए बाइंग पोजिशन दी थी और इस वाली ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के नीचे सेल पोजिशन। तो आप लोग देख रहे होंगे काफी बड़ा इंट्राडे का मूव आप लोगों का कैप्चर हुआ बजाज फाइनेंस जैसे बड़े स्टॉक में। मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं तो ब्रेकडाउन के बाद से इसमें 2.5% का बड़ा मूव कैप्चर हुआ है, तो आप लोगों को इसमें जरूर प्रॉफिट बहुत अच्छा कैप्चर हुआ होगा। और अगर आप लोगों ने इसमें ट्रेड करा हो प्रॉफिट करा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगले दिन भी आप लोग देख रहे हैं इस वाले ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद काफी इसने बड़ा अपसाइड का मूव दिया है, पहले डाउन साइड कर दिया फिर अपसाइड कर दिया, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था आप लोग अगर देख रहे होंगे 3% से भी ज्यादा का इसने काफी बड़ा मूव इंट्राडे में दिया है अपसाइड का, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें काफी अच्छा स्क्वीज होता जा रहा है चार्ट, तो इसमें कहीं ना कहीं तो एक्सपेंड होना होगा। तो पहले इसने डाउन साइड का दिया काफी बड़ा मूव और फिर उसके बाद अपसाइड का। तो अगर आप लोगों ने इसमें प्रॉफिट कैप्चर करा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो हमारा थर्ड इंट्राडे स्टॉक था एक्सिस बैंक, जिसमें मैंने इस वाले जोन के ब्रेकडाउन पे सेल के लिए दिया और इस वाली ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे अपसाइड के लिए। तो आप लोग देख ही होंगे इसने काफी बड़ा गैप अप ओपनिंग दी है, तो इसमें हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बना क्योंकि गैप अप पे हमारा ट्रेड हम लोग अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि गैप अप पे काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है स्टॉक, तो हम लोग इसको अवॉइड ही करते हैं। तो हमारा फोर्थ इंट्राडे स्टॉक था आईशिया मोटर, जिसमें मैंने आप लोगों को इस वाले जोन के अपसाइड के ब्रेकआउट पे और इस वाले जोन के डाउन साइड के ब्रेकडाउन पे ट्रेड करने के लिए दिया था। तो आप लोग देख रहे होंगे इसने अपसाइड ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक रिटेस्ट के बाद काफी अच्छा मूव आप लोगों को इंट्राडे में इसमें भी कैप्चर हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये स्टॉक भी अच्छे लगे होंगे, और आईशिया मोटर हमारे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी है, तो इसको जरूर अपने फोकस में रखिएगा। तो अगर हम लोग देखें हमारे उस दिन के 4 इंट्राडे स्टॉक्स में कैसी परफॉर्मेंस रही, तो उसमें हमारा डीमार्ट प्रॉफिटेबल रहा, बजाज फाइनेंस भी प्रॉफिटेबल रहा, एक्सिस बैंक हमारा नो ट्रेड था क्योंकि गैप अप हो गया था, और आईशर मोटर भी हमारा प्रॉफिटेबल रहा। तो 4 में से हमारे 3 स्टॉक जो थे प्रॉफिटेबल है और एक में हमारा नो ट्रेड रहा। और गाइस अगर आप लोगों ने इसमें ट्रेड करा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और अपना सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलता हूँ आपको ऐसी न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड स्टे प्रॉफिटेबल।